आयोजित चुनावी सभा और उसके सामने आधी से ज्यादा खाली पड़ी कुर्सियां। ये तस्वीर है गया के करीमगंज की, जहां तेजस्वी यादव एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे, लेकिन चंद मिनटों के भाषण के बाद ही तेजस्वी वहां से रवाना हो गए। मंच से उन्होंने सत्ता पक्ष और केंद्र सरकार पर अपने अंदाज में हमला बोला। भाजपा से हाथ मिला लीजिएगा तो आप राजा हरिश्चंद्र कहलाओ, और आप अगर लड़ाई लड़ोगे तो आप पे तरह तरह का मुकदमा, जाली मुकदमा डराने की कोशिश की जाएगी और आपको जेल भेजा जाएगा, आपको भ्रष्टाचारी बनाया जाएगा। दुख इस बात का है कि हमारे पलटू चाचा भी पलट गए। ऐसी पलटी मारी कि जिसका हम लोगों को अंदाजा नहीं था। पलटी मारी तो मारी, लेकिन हमारे पूरे परिवार पर मुकदमा करा गया है। मेरा कोई अपराधी तो 35 मुकदमा मेरे ऊपर, क्योंकि इनको एक वजह चाहिए थी कि भाई आवाम के बीच वो क्या बोलेंगे। टाइमिंग में है कि लालू जी जेल में है तो इनका मनसूबा कामयाब हो जाएगा। जान ले अगर हल्का सा भी आज संविधान और आरक्षण और भाईचारा के खिलाफ अगर इन लोगों ने कुछ साजिश की, आज हम मैदान में फरियाल और देखते कौन किसका माता दूसरी है। हमारे पिता ने आज तक समझौता नहीं किया, लड़ाई लड़ी, उनका बेटा भी आपको इस मन से वादा करता है कि लड़ाई लड़ने का काम करेगा, इनको सबक सिखाने का काम करेगा। इनके जीवन भक्ति से नौकरी वाला है, लालू जी शेर है, हमारे पिता शेर है, इनके जीवन भक्ति से नहीं मिलते। जेल में डाला, मुकदमा करो, साजिश पे साजिश रचो। अरे भैया हमने मुकदमा किया, मेरी बहनों का क्या दोष था? सात बहन है, सातों बहनों के मुकदमा, सात बहन है, सातों की शादी हुई, सातों जीजा है मेरे, उनका क्या दोष था? उनपे भी मुकदमा, उनके सास ससुर यानी लालू जी के संतान संधि सात यानी 14, उनपे भी मुकदमा, संतान और संधि के रिश्तेदारों पे भी मुकदमा, फिर भी झुकने का नाम नहीं ले। तो हम तो जनता की अदालत में आए, जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है, ना तो सुनवाई होती है, सीधा फैसला होता है। बीजेपी और सीएम नीतीश पर शब्द भेदी बाण भले ही चलाए, लेकिन गठबंधन वाले तेजस्वी के लिए ये गौर करने वाली बात है कि उनका प्रभाव कहीं जनता पर हल्का तो नहीं पड़ता जा रहा है। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में जनता का रुझान कम होना खतरे का संकेत भी हो सकता है। चुनावी सभा का उजड़ा हुआ रंग देखकर यह कहना गलत नहीं है कि जनता अब चुनावी दावों से आरोप और प्रत्यारोप के सिलसिलेवार तरीकों से उब रही है। बहरहाल चुनावी जंग में जीत किसको मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।